हेलो स्टूडेंट, आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अ जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल्स आर यूज्ड। तो किसके माइक्रो पार्टिकल्स बेसिकली यूज किए जाते हैं? अगर हम जीन गन मेथड की बात करें तो जीन गन मेथड का काम क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं जीन गन मेथड करता क्या है। जीन गन बम्बार्डमेंट जीन गन बेसिकली प्लांट के लिए मेथड यूज किया जाता है। तो जीन गन बम्बार्डमेंट इज ए मेथड फॉर फिजिकल फॉर द फिजिकल फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर द फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इंटू द प्लांट सेल इंटू द प्लांट सेल प्लांट सेल। तो बेसिकली जीन गन मेथड का जो यूज किया जाता है वो प्लांट सेल के लिए किया जाता है, और अब फिजिकल तरीके से डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें हम जो माइक्रो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, इसका माइक्रो पार्टिकल्स का जो यूज करते हैं वो बेसिकली किसका बना होता है? टंगस्टन का, हैवी मेटल्स का बना होता है, टंगस्टन और गोल्ड का। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्टली, तो गोल्ड का बना होता है, इसलिए आपका जो आंसर जाएगा वो थर्ड रहेगा। ठीक है। और डीएनए जो है, डीएनए कोटेड मेटल्स पार्टिकल यूजिंग कंप्रेस्ड हीलियम आपका टंगस्टन एंड गोल्ड देखने को मिलता है। थैंक यू।